अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम 360 के बानी ज़ाहिद छिपा साहब। मैं इनसे पूछूंगा आज के हवाले से, आप यहाँ पर धरने में शरीक हुए हैं, कराची वालों के लिए ये धरना जारी है, आपको क्या लगता है ये धरना शहर कराची को कोई फ़ायदा देगा या नहीं? देखिए, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमसे ये काम लिया है और जब यहाँ पर मौजूद हैं तो ये धरना बिल्कुल कामयाब होगा और उसके लिए मैं दुआगो भी हूँ। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, धरना कामयाब हो या ना हो, मैंने अपना हिस्सा डाला है। मैं इस बात पर जब कल कयामत का दिन होगा, मैं अल्लाह के सामने इस बात पे इंशाल्लाह सुर्खरू होऊंगा। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो सुर्खरू होंगे कि कम से कम उन्होंने इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए कोई काम करने की कोशिश की, और मैं कम से कम उन लोगों में था जो आग बुझाने वाले थे। तो धरने की कामयाबी या नाकामी ये अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह ताला यकीनी तौर पर आपकी कोशिशों को देखता है। लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो मैं और आप कोशिश करने निकले, मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ये बात डालेगा और लोग भी आएंगे और फिर ये हुक्मरानों के दिलों में बात डालेगा ताकि वो अपने ये काले कानून को वापस। शहर कराची की आवाम को आप क्या पैगाम देंगे यहाँ से धरने के मकाम से? शहर कराची की आवाम को मैं ये पैगाम ज़रूर दूंगा। देखिए, मैं इस धरने में पहले मौजूद नहीं रहा, मेरे वालिद साहब का रिसेंटली जो मेरे को दिन इंतकाल हो गया और इससे पहले वो हॉस्पिटलाइज थे तो मैं नहीं आ सका। लेकिन मैं और आपकी बात, मैं रोज़ाना आऊँगा इंशाल्लाह, अपने बच्चों को लेकर आऊँगा यहाँ पर ताकि मेरे बच्चों की आबियारी हो सके, मेरे बच्चे ये देखें कि जमात के लोग कितने मुखलस हैं और कितनी ईमानदारी के साथ इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए और इस सूबे के लिए काम करना चाहते हैं, ताकि अल्लाह ताला उनको भी कल जमात का किसी तरीके से भी सपोर्टर बनाए और यकीनी तौर पर वो मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए भी और ख़ास तौर पर मेरे लिए सदका जारिया साबित हो। बहुत शुक्रिया।